एक बार चले फिर बढ़िया के तीसरी गेंद थी, लंबाई की गेंद थी, लौट करना चाहते थे, संपर्क नहीं करा पाए क्योंकि अच्छे गेंद ज्यादा सारे की जाए सूरज भाई क्यों कम रहेगी फिलहाल। एक बार चले, ये देखिए आप बिल्कुल लाइन टू लाइन गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति, बहुत सुंदर हो, मात्र दो रन खर्च करे और एक रन यहाँ पे खर्च किया था, एक विकेट प्राप्त किया था यहाँ पे, एक रन दिया इसने ताजा लगे रोहित के ऊपर स्ट्राइक, स्कोर बोर्ड 66 रन 9 ओवर की समाप्ति पे, अंतिम ओवर आना बाकी से, अब देखना होगा इन 6 गेंदों में कितने रन जुटा पाती है फिलहाल थाना तुम्बाकू। पिछले बार की विजेता टीम है थाना तुम्बाकूर, बड़े बड़े मुकाबले यहाँ पे जीते थे उन्होंने छोटे रन स्कोर बोर्ड में क्योंकि गेंदबाजी बढ़िया थी उनके पास। ओ इस बार किसी भी तरह ऑन साइड में गेंद को धकेला था, बड़ा गेंद था वहां पे, बड़े अच्छे तरह से वहां पे एक खिलाड़ी मिस कर गए थे, मगर दूसरे रन के लिए उन्हें वहां पे देखना होगा, ओ और बाहर रह गए थे, तो रोहित का विकेट का पतन होता हुआ, बढ़िया खेल रहे थे वहां पे नए बल्लेबाज, कुछ गेंद आने बाकी से, अंतिम ओवर लेके आए गौतम, कदमों का इस्तेमाल करा और ऑफ साइड में गेंद को धकेल दिया, उसके नीचे सूरज और एक ही रन से संतुष्ट है। ले बैठे बढ़िया गेंदबाजी, लॉफ्ट करना चाहते थे, ऊपर खेल गया और गेंद नीचे रहती हुई बोल्ड के रूप में वापस है बल्लेबाज, अब फिलहाल चले सीधा मैदान से, एक बार गौतम चले थे तैयार, इस बार गेंद को धकेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे सूरज और खतरा हो सकता था, मगर जानते हैं सूरज की किसी भी तरह अगर स्टंप पे जाके ना लगे तो एक और रन हो सकता है, ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, पिछले मुकाबले में देखा था इसी तरह का कोई बड़ा रिस्क ले नहीं रहे थे और जिससे टीम यहां तक पहुंची है इसमें कोई दोहराए नहीं, सूरज का उसमें 12 हाथ रहा था, एक छक्का भी मारा था सूरज द्वारा, उसके बाद अधिक ना खेल पाए, मगर काबिले तारीफ जितनी ज्यादा वो कम रहेगी सूरज के लिए इस बार। गेंदबाजी के लिए तैयार और इस क्षेत्र के जाने माने बल्लेबाज अजय पाल बल्लेबाजी के लिए तैयार, शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए फिलहाल, विनय कोटद्वार एक्सप्रेस राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, बढ़िया गेंद, कहीं बल्ला कहीं गेंद, एक रन से खाता खोला टीम का भी और अपना भी, अजय फिलहाल विनय अजय पाल के लिए, बढ़िया गेंद फिलिप क्षेत्र में धकेला, डेढ़ रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रन बिना किसी नुकसान के, फिलहाल विनय सामने करेंगे मनी और क्लीन बोल्ड, मैं पहले ही बता चुका था कि काफी तेज गति के गेंदबाज है विनय, इसमें कोई संदेह नहीं, और कोटद्वार एक्सप्रेस बिल्कुल पकड़ ली है, अब थोड़ा वापसी थाना धुमाकोट, चली गेंदबाज और गेंद जा रही थी मारे खा बाउंड्री के बाहर, 4 रन पैर से, बढ़िया गेंद समा दिया, तो एक ओवर की समाप्ति पे 7 रन स्कोर बोर्ड पे, तो इस ओवर के रोहित भाई गेंदबाज ने, तो शुभम धन्यवाद विनय भाई, तो अपने कोटे का पहला ओवर और पारी के लिए दूसरा ओवर शुभम, धकेला किसी भी तरह गेंद को, इसे 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 8 रन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी लगातार बॉलिंग में तो रोक ही सकते हो, चाहे पहुंची उसके लिए धन्यवाद, तो शुभम और सिर्फ क्षेत्र लगा लीजिए, चाहे हेलमेट क्षेत्र लगा लीजिए, 1 रन इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 9 रन इस मैदान में, दर्शक तो फिलहाल शुभम अजय पाल के लिए, और बढ़िया शॉट लगातार बढ़िया बल्लेबाजी, 1 रन की फिलहाल 2 रनों से टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन शुभकामनाएं फिलहाल अजय पाल भाई के लिए भी, 11 रन स्कोर बोर्ड पे, दूसरा ओवर पर गति पर हल्के हाथों से धकेला और सही बिल्कुल सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ती हुई फिर से टाइगर फॉर डाटा, 12 रन अब स्कोर, 12 रन
स्कोर बोर्ड में दूसरा ओवर प्रगति पर, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद भैया गेंद इस बार दो ओवर की समाप्ति पे 12 रन स्कोर बोर्ड पे, एक खिलाड़ी बढ़िया गेंदबाजी विनय भाई, गेंदबाजी विनय भाई, तो योगेश सामना करेंगे अजय पाल, तो योगेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, बढ़िया गेंद कहीं बल्ला कहीं गेंद और बाकी काम विकेट कीपर द्वारा, स्कोर अभी भी 12 रन। बढ़िया गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी योगेश द्वारा, कहीं बल्ला कहीं गेंद और बाकी काम विकेट कीपर द्वारा। तो अपने चाचा श्री छत्तर सिंह जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन क्रीड़ा समिति की तरफ से, सबसे बड़े वजनदार खिलाड़ी टूर्नामेंट में और सबसे बड़ा कोर्ट। बढ़िया गेंदबाजी लेकिन वाइड की, तीसरा तीर के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 रन। चलिए गेंदबाज बढ़िया गेंद इस बार, कहीं बल्ला कहीं गेंद, हेड पे लगने के बाद एक रन, सॉरी बल्ले से एक रन और, तो 14 रन अब स्कोर बोर्ड पे। अभी भी तैयार बढ़िया शॉट इस क्षेत्र और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन, इसे चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रन। बढ़िया गेंदबाजी लेकिन उतना बढ़िया शॉट गौतम, बड़े नाम बड़े खिलाड़ी, फिलहाल शुभकामनाएं गौतम भाई के लिए भी 9 वर्ष की। बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेला, गेंद रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 रन, तो 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन स्कोर।